हेलो दोस्तों, एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच दुबई के मैदान में सुपर चार चरण का अहम मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान से हारने के बाद टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना चाहेगा। वहीं श्रीलंका अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद अपना विजय अभियान जारी रखना चाहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मध्यम क्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ऐसे में ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा की जगह अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। कार्तिक का प्रदर्शन T20 में बहुत ही शानदार है। वह अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने में सक्षम है। वहीं अक्षर पटेल जडेजा की कमी को पूरा कर सकते हैं। अभी तक युजवेंद्र चहल कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं। उनके स्थान पर रविचंद्रन अश्विन एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में दोनों में ही योगदान दे सकते हैं। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 19वें ओवर में 19 रन दिए थे, जो कहीं ना कहीं भारत की हार का मुख्य कारण था। आज के मैच में वह अपनी गलती को सुधारकर टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय टीम की फील्डिंग भी पिछले मैच में कुछ खास नहीं थी, जिसमें अर्शदीप का कैच छोड़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आज श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया सभी विभागों में शानदार खेल दिखाकर करो या मरो वाले मैच में दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। दोस्तों, आज के मैच के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।